थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया आप हमारे सब्सक्राइबर्स का जिनकी वजह से हमें आज सिल्वर बटन मिला है। और मैं उस मालिक का, उस कालपुर का, गुरु नानक पातशाही का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी वजह से आज हम जिस मुकाम पे हैं। और इसमें हमारे, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा इसमें अकेले का नहीं, मेरे पूरे परिवार का, मेरे घर के बड़े बच्चे, हर एक मेंबर का पूरा फुल टू फुल सपोर्ट है इस चैनल को यहाँ तक पहुँचाने का। तो मैं इस जर्नी के बारे में आपको बताऊंगा कि हमने YouTube चैनल कब शुरू किया और आज जिस मुकाम पे पहुंचे हैं वो आपके सामने है। 2017 में हमारा जो इंट्रोडक्शन हुआ है YouTube के साथ या सोशल मीडिया पे, वो सबसे पहले मेरे दोस्त, मेरे क्लासमेट तरनप्रीत सिद्धू, जो कि अपनी खेती ऐप जो है, आप लोगों ने नहीं भी देखी होगी तो आप देख लें, उनका चैनल भी है और उनकी ऐप भी है जो गाइड करती है किसानों को हर अपने उस खेतीबाड़ी में। तो उसके बाद जो सेकंड वीडियो जो हमारी, इसको देख करके हमारे जो दोस्त हैं फार्मिंग लीडर चैनल चलाते हैं दर्शन सिंह, उन्होंने 2018 में हमारी अगली वीडियो जो है वो इस चैनल पे आई थी जो फार्मिंग लीडर दर्शन सिंह चलाते हैं। ये वीडियो आने के मान लो एक महीने में जो हमारी सबसे पहले जो वीडियो आई थी वो मैं आपको शेयर भी करूँगा। उसके बाद जो सेकंड वीडियो मैं आप जिसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ, वो पूरे एक साल बाद जब उन्होंने अपनी खेती पे देखा तो दर्शन सिंह हमारे पास आए और दर्शन सिंह की जो वीडियो थी वो एक महीने में 1,000,000 व्यूज़ हो गए उसके। तो मेरे भाई का फ़ोन आया मेरे को, बोलने लगा कि यार आप लोगों के पास इतना जो है डेली रूटीन जो आपकी है वो शूट करो और आप वीडियो डाल दो। तो उस टाइम मैंने उनको कहा कि यार हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब करूं। तो खैर चलो, जो काम जब शुरू होना है वो तभी होना है। तो आप सोचिए कि जो एक वीडियो एक महीने में इतनी वायरल हुई, उसके बाद क्या एक पहचान बन गई थी। तो हमने जब ये चैनल शुरू किया 2021 में और आज 2024 है, 3 साल में हमने ये जो मुकाम है ये हासिल किया। मतलब जो हम जितने भी हमारे एपिसोड बने आज तक, इनमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि, सॉरी नोटिस तो आप लोगों ने की होगी, कि हम जो भी बात करते हैं उसमें पूरे का पूरा सच होना चाहिए, चाहे उसको टाइम लग जाए। आप ये देख रहे होंगे मेरे पीछे जो मरिंगा ट्रीज़ जो हैं, हमारी जो सबसे ज़्यादा वीडियो चलने वाली, जिसके करीब आज व्यूज़ जो हैं वो 12,00,000 से ओवर हैं। उसका कारण ये है कि इसको खासकर, जैसे मैंने जब ये मोरिंगा गम की जो वीडियो जो हमारी थी, उसको हमने 1.5 साल उसको लगाया वीडियो डालने के लिए। मतलब उसका जो एक था ना कि हम उसको चेक कर रहे थे, अलग अलग जो हमारे फार्म पे विज़िट करने आते थे, किसी ने बोल दिया कि कमर दर्द है तो हमने उसको वो मान लो कि गूंद दी और उनको बोला कि हमें इसका फीडबैक देना आप। तो कहीं भी जल्दबाजी नहीं करनी आपने, मतलब कोई और भी इसमें अगर कोई काम कर रहा है YouTube पे, तो आप जो भी आप बात करो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, क्योंकि ये बात बहुत दूर तक जाएगी। सोचो, समझो, परखो और परखने के बाद किसी को भी गुमराह ना करो। हर बात जो है वो उसकी ऑथेंटिसिटी होनी सबसे ज़रूरी है। और ये नहीं कि आपको रातों रात, मतलब आप बहुत ज़्यादा आपके जो व्यूज़ बढ़ने वाली, ऐसी कुछ झूठ तूफान बोल के वीडियो मत बनाओ। जो भी बनाओ आप पूरा एक सॉलिड उसमें बात होनी चाहिए और उससे क्या है कि आप बहुत दूर तक चलोगे। तो हमारी अलग अलग सीरीज़ बनी हुई है, जैसे ये जिस वीडियो का मैंने अभी जिक्र किया, ये सारी की सारी आयुर्वेद में है। तो आयुर्वेद में जो सबसे ज़्यादा चलने वाली वीडियो है वो ये है। इसके बाद में जो हम बात करेंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये हमारे मोठ की फसल है। मैं आपको ये बता दूं कि जितना भी जो हमारी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की अलग सारी सीरीज़ हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ जब हम मतलब मान लो रिटर्न मीडिया में थे, अखबारों में थे, या जब से हम काम कर रहे हैं, तो YouTube पे आने के बाद हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स थे, जैसे आज हम 67 क्रॉप्स उगा रहे हैं जिनमें ये सारी दालें भी आती हैं, अनाज भी आते हैं,
तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप ये हम अब हमें इनको सेल करने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये सारी मतलब सारे का सारा तभी पॉसिबल हुआ जब हम YouTube पे आए। तो हमारे लिए YouTube बहुत सारी खुशियां लेके आया, हमारे लिए कामयाबी के जो रास्ते हैं वो YouTube ने ही खोले हैं। तो इसके साथ साथ जैसे हम देख रहे हैं कि जितनी भी हमारे पास जो क्रॉप्स हैं वो सारी वेजिटेबल्स, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी सीड्स जो हैं, ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, जैसे हमारे पहले इसको फुट बोलते हैं और इसको हमारे यहाँ लोकल भाषा में खखड़ी या काकड़ी, या इसको हरियाणा साइड में इसको फुट भी बोलते हैं, पंजाब में फुट बोलते हैं इसको। तो ये एक देसी बीज जो है वो भी अलोप जैसे हो रहे हैं। तो ऐसी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो भी हमने प्रिजर्व की हुई हैं। ये सारी जो वीडियोस हैं वो हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग की सेगमेंट में है, उसमें जाके आप देख लो, वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। एक हमारी सीरीज़ है एनिमल हस्बेंड्री, और इसका इतने ही मतलब हमारे जितने भी आप सब्सक्राइबर्स हो, बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनमें जिन्होंने हमें गाइड भी किया, जिन्होंने हमें इस चीज़ को बहुत पसंद भी किया और उनको भरपूर लाभ भी हुआ। खासकर जो जैसे चारे की वीडियोस हैं, जो अपने मान लो फीड की वीडियो है, जो अपने शेड की है, और ये इनको इतना अच्छा रिस्पांस मिला इन सारी वीडियोस को। और खासकर जैसे मैं एक और जिक्र कर दूं, प्लेजेंटा की जो है जेर कैसे गिराती है गाय, ऐसे ऐसे हमारी माताओं के बहनों के फ़ोन आते हैं और बोलती हैं कि इतना आसान था ये सारा, और हमारे घर में ही ये सारी चीज़ें उपलब्ध थी और हमें मालूम नहीं था इन चीज़ों का। तो बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं उनको इन चीज़ों से लाभ हुआ, और हमारी कोशिश रहती है, हम भी इंसान हैं, हमारे से चूक भी होती है, आप बता दिया करो और गाइड भी करा करो साथ के साथ, और कुछ नए तजुर्बे जो हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम इनको पास करने के बाद, जैसे मान लो हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो इनके ऊपर लागू करके देखते हैं, देखने के बाद जब पास हो जाए, जैसे हमारी लंपी स्किन की जो वीडियो थी वो काफ़ी वायरल हुई, आप लोगों ने देखी और उसमें बहुत सारी मदद भी हुई हमारे साथियों को। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से और ऑथेंटिसिटी को प्रेफरेंस ज़रूर दें आप। दोस्तों, हमारी अगली सीरीज़ जो है वो गांव के खाने को लेके है, जैसे कंट्री साइड फूड है उस सीरीज़ का नाम। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप देखो कि सरदार हो और साग की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमारी सबसे ज़्यादा वीडियो जो चलने वाली है वो साग की है, और साग में ही मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे ही बहुत सारे ऐसे हमारे जो देसी भाई हैं, जो सरदार हैं, उनको उनके लिए भी एक नई चीज़ थी, काफ़ी लोगों को, मैं सभी को नहीं बोलता हूँ, तो उनके लिए नई चीज़ थी। उसमें एक चलाई का साग की वीडियो है, तो उसमें हमने दो तीन तरीके से बनाया उसको। ये जैसे आप देख रहे हो, ये छोटी चलाई है और ये तांदड़ा है। ख़ास तौर पे जैसे जिन एरियो में, जैसे जो अपने चावल की खेती होने लगी है, वहाँ तो ये जड़ी बूटियाँ ख़त्म ही हो गई हैं। बहुत ही तंदुरुस्त और मतलब खुद महसूस होता है आपको ये सब चीज़ें खा के, और इनको जब आप इनकी वीडियोस जो देखोगे आप हैरान होगे, कोई भी बंदा, कोई भी छोटा बच्चा, कोई भी आराम से बना सकता है, बहुत ही सरल भाषा, सरल तरीके से दिखाया गया उसमें। तो ये मतलब जो हमारे जो YouTube का जो सहयोग इसमें रहा है, और आप लोगों के जैसे आप लोगों को के साथ हमारी जो जान पहचान बनी है, उससे हम सभी को बहुत ही लाभ हो रहा है। दोस्तों, हमारी सबसे जो इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है वो है सस्टेनेबल लिविंग, और इस सीरीज़ में हमने क्या किया है कि जितनी भी हमारी जो घर बनाने की वीडियोस है, एक तो वो इसमें सारी है, ईंट बनाने से लेके कंप्लीट जो है मतलब पूरा घर बनाया है हमने। बहुत सारे आप लोगों में से हमारे मित्र इस चीज़ को लेके भी बड़े खुश रहते हैं, हमें मतलब मैसेजेस करते हैं कि जो चीज़ें हमने जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू ऑफ यूट्यूब, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतनी जो बारीकी से और इतनी डिटेल में पूरा घर आप अपने ही एरिया में कहीं भी रहकर आप अपना घर बना सकते हो, ऐसा कच्चा मकान जो आप देख रहे हो। तो ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सीरीज़ है, इसमें ख़ास तौर पे जैसे और ये सारी जब ये घर कंप्लीट हो गया, तो हमने इसको देखो एक
फार्म टूरिज्म जो है आजकल के टाइम में जो एक किसान स्ट्रगल कर रहा है अपनी मान लो सर्वाइव होने के लिए, तो ये एक उसके लिए भी एक अच्छी ऑप्शन है। बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो यहाँ से गाइडलाइन ले सकते हैं। और जब हमारा ये घर तैयार हो गया, तैयार होने के बाद ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ आए, ऐसे ऐसे मतलब हमें इतने, मैं समझूंगा कि हमने उनको सिखाया नहीं बल्कि वो हमें सिखा के गए। तो इसको बनाने का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि आप जैसे लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका हमारे साथ सोच मिलती है, जो बड़े मतलब इस हम समझते हैं हम भाग्यशाली हैं कि आप जैसे जो मित्र हैं वो हमें मिले। और जब से ये घर बनाया है, मान लो हमें पूरा एक सीज़न, मैं समझूंगा कि पूरा एक साल हो गया, कंप्लीट हो गया, और ऐसे मान लो कोई दूर से चलता है जैसे हैदराबाद, कर्नाटक, और यहीं नहीं मतलब विदेश से भी जो लोग आए हैं, जो एक ऐसी सोच रखते हैं जिनका जिनको लगता है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे पूरी धरती की भलाई हो, तो ऐसे लोग यहाँ आके रहे और उनसे हमें जो सीखने को मिला वो हमें कहीं भी मिल नहीं सकता था और किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकता था। और इसकी जो सबसे ख़ास बात वो ये है कि जो मतलब ये घर को बनाने में हमने जो ईंटें यूज़ की वो ईंटें मिट्टी की बनी हुई हैं, और आज के समय में हम लोग जाने अनजाने से बहुत बड़ी एक चूक कर रहे हैं, क्योंकि जब भी जो ईंट बनाते हैं, जो पक्की ईंट बनाते हैं, वो ईंट बनाने के बाद वो मिट्टी सदा के लिए डेड हो जाती है। तो हमने जाने अनजाने में हमारे से ये जो भूल हो रही है, इस भूल को हम कैसे कंट्रोल कर सकें, तो उसमें हम ये कच्चे मकान का एक बहुत बड़ा सहयोग इसमें दे सकते हैं धरती को और आने वाली पीढ़ियों को। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया और दिल से धन्यवाद है YouTube चैनल का, जिसने आप जैसे दोस्तों को मिलाया और आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। थैंक यू YouTube अगेन वंस, और सिल्वर बटन जो मिला है वो आप सबका है, मेरा नहीं है, और आगे बहुत ऊंचाइयां हमने छूनी हैं। तब तक के लिए हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आपका हमारा रब रखा।